नर पांधी की वार ग्यारह सट के खड़ी बारे विच हर दम रांधी दिल मांधी जारा सह सह रो अंदर विच मैं अजकल दे हालात को देदा हर पासे टेंशन ही टेंशन है और महंगाई का जोर है कहीं को इतना टाइम ही कहीं नहीं जेरे एक दूजे दे दुख दर्द बंदे मैं समझना कि हफ्ते मौसम राशन अथवी संगत ने जरा एक प्रोग्राम मनुके तरह एक छठी हवा दे झोंकिया लिखा है ताली चबाओ यार। ये प्रोग्राम हर कहीं का काम नहीं ये एक स्पेशल गिरोह है जरा इन किस्म के काम करे ना पाए गिरोह का ना है फरहादी गिरोह फरहादी गिरोह के लोग यो लोग हैं जेड़े अपनी नक जिंदड़ी के एवज दुनिया के लम मुल घेन के बाल भी घाटे में कहीं नहीं होंगे फरहादी गिरोह के लोग अगर तुसा देखने हो तो उनका पहला मुजहरा अज के दिनों हाल के अंदर जेरे दोस्त बैठे हैं आपकी कुर्बानी देख के टाइम दी ही प्रोग्राम को कामयाब करना सही राशिद साहब अल्लाह उन्हें खून उन्हें नसीब करे सहरी ही धरती दे महान ने शायर उन्हें दी शायरी दे अंदर शहर से इनका दुख शामिल है मैं जनाब आशिक खान मुख्तार साहब उन्हें का हवाला देता कि जरा उन्होंने तबसरा लिखे क्योंकि मैं सही में महफल कह नकल किया उन्होंने आके उन्होंने आज जमाने ने वो बेइंसाफ है और मैं समझे ना के ही बेरहमी सफाकी का मुजाहरा उन्होंने ये एक जोड़ा मैं जरा सरे पार्टी से मैं गलती करा समाप्त जोड़े को समझादा ले सो ये काका कहते कुछ बेच कख बीत के चाप सोच किते हर चौक ते ठटड़े सा भर के हर चौक दे रा अफसोस किते कहीं नेड़े खड़ अफसोस कितने कहीं दूर निगाह अफसोस कितने जिना राशन शहर तीज गए किचे शहर निशा अफसोस एक काका बज दे कुचे विच कितने जा अफसोस कितने हर चौक ते छटड़े सा भर के हर झोंक तेरा अफसोस कितने कहीं नेड़े खड़ अफसोस कितने कहीं दूर निगा अफसोस कितने जना राशन शहर शहर मुतीज गए मुतीज गए पीछे शहर ते शाह अफसोस क्योंकि वे दोस्ती कौन सारे गाल मार करे जन मैं कोई इतना अच्छा कोई सख्ती कर भी नहीं ये थे दोस्ती मोहब्बत के उन्होंने मैं को इतने बड़े लोग ने मिला के मेरे कद बढ़ा कर दी
मैं यहाँ कौन सा दी स्टेज थे इधर बैठा इधर बनोने लतीफा तो बड़ा काम थी ने इधर ड्रामे भी थी ने तो मैं एक ड्रामे का अगर आवारा देसा ये मुंह ले दी कहाँ रे येरे वेले एंड्राइड मोबाइल है ना मैं अपने घर बैठा हूँ मैं रेडियो ऑन किया मैं किधर बीबीसी सुनूं तुम तो उसे एक ड्रामा पे चला उसका नाम है पता क्या है उनके शुरू क्या गया उसे एक प्लाट वो है एक बाग है उनके बच्चे बुजुर्ग बेंच पे बैठे कला सोचे गुम एक पारड़ी आती है बाग के अंदर खाली टोकरी चाह के खोल चुनान सा जेरे वे लोग बुजुर्ग के अगू आ गए उनके पर पूछती है बाबा तुस क्या बैठे करें बाबा जवाब दे दे बेटा मैं अपने सोचा बेटा सोचेगा और बचड़ी आ दिए बाबा ये तो कुछ बेहतर नहीं कि तू सा सोचे हैं सोचने की बजाय कोई किताब पढ़ गई ना बाबा जवाब दे दे वो आ दे कि बेटा सोचा तो मैं जा अपने किताब तो बेदी लिखी हुई है भला बाबा बाहर को पूछते बेटी तेरा नाम क्या है तो बाल आ दिए जेरे वेले मैं बाहर दे खोल सुन दिया हूँ वेले मेरा नाम होंगे मुसरा वरना अगे पीछे गूंगी हसरा